हरियाणा सरकार द्वारा सब्जी मंडी आढ़तियों पर लगाए गए नए टैक्स और एडवांस टैक्स के विरोध में पूरे हरियाणा की सब्जी मंडियां आज बंद है। मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान का कहना है कि अभी तक 1% HRDF लिया जाता है, जो कि ग्राहकों से लेकर सरकार को देना होता था, लेकिन अब नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 स्लैब बनाए गए हैं, जिसके चलते एडवांस में यह टैक्स भरना होगा। अब टैक्स को एडवांस और बढ़ाकर लिए जाने और नए स्लैब से आढ़ती परेशान है, जिसके चलते हड़ताल का आह्वान किया गया है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी ना हुई तो 1 जनवरी 2023 को एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। की गई है, पूरी मंडी बंद है, क्या कुछ मामला है, क्या मांगे हैं, क्या करना है? हमारी मांगे ये है जी, सरकार के आगे हमारी कोई सरकार से लड़ाई नहीं है, हम अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। आज से 2 साल पहले कृषि मंत्री JP दलाल जी ने भिवानी के अंदर ट्वीट किया था कि सब्जी मंडी में मार्केट फीस ख़त्म कर दी गई है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुई ढाई साल से। लेकिन 2014 से लेके 20 तक फीस माफ थी। 20 के बाद कोरोना आया तो हमारे CM साहब ने कहा भी देश के ऊपर विपदा है, तो 2% लगा दिया। हम सारा हरियाणा चुप हो गए, भाई देश के ऊपर विपदा है, 2% लगा के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उन्होंने विश्वास भी दिलाया था कि मैं ये फीस बाद में ख़त्म कर दूँगा, लेकिन उसके रोष में हमें आज तक उसका कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। हम सरकार से 2.5 सालों का यही मांग कर रहे हैं। अब हमारी यही मांग है इस फीस को 0% किया जाए। और एक कल हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर मीटिंग हुई, हमारे अपना भारती जी थे OSC CM साहब के, उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमें मीटिंग में। उन्होंने कहा जो आप चाहोगे वो होएगा 2-3 दिन में। फिलहाल ये हड़ताल कहाँ कहाँ है और कब तक? टोटल सारा हरियाणा है, छोटी मंडियाँ भी है, जिसमें अगर कोई मंडी बिल्कुल 10 ग्राहक है ना, वो भी मंडी बंद है। फिलहाल कुछ लोग गेट पर रेडी, कोई रेट पर नहीं है, गेट पर रेडियां लगा के नहीं, वो 2-3 है जो गाँव वाले फायदा उठाने, मौके का कोई फर्क नहीं है। फिलहाल और क्या कुछ चेतावनी है सर? चेतावनी यही है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, फीस को 0% करे और हमारी मंडियों के डेवलपमेंट के लिए कोई कदम उठाए। फिलहाल अगर सरकार मानती नहीं है बात आपकी तो क्या रहेगा ऐसे में, क्या करें? फिर हम इसका फैसला लेंगे 1 जनवरी 2024 को। ये हमारा संगठन हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन का फैसला है। मंडी में सब्जी लेने आए ग्राहकों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि आज मंडी बंद है और फिर रोजाना घर के लिए ताजी सब्जियां लेकर जाते हैं, आज बिना सब्जी के काम चलाना पड़ेगा। सरकार को इन लोगों की मांगे जल्द माननी चाहिए ताकि जनता को परेशानी ना हो। ओके, मंडी में किस लिए आप आए थे? सर मेरा नाम अमरजीत है जी, मैं फ्रूट और सब्जी का काम करता हूँ और आज मंडी बिल्कुल बंद है जी, तो हमारी भी रोजी रोटी यहीं से चलती है क्योंकि हम थोड़ा बहुत जैसे फ्रूट और सब्जी लेके गाँव में जाके बेचते हैं सर, क्योंकि हमारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो आज बेहतर बहुत ही नकम्मी हुई पड़ी है, क्योंकि जो सरकार के अवैध टैक्स है जो कोरोना काल में लगे हुए थे इन आड़तियों के ऊपर, वो नजायज़ लगे हुए थे, वो हटाने की मांग की हुई थी इन्होंने कि हम हटाएंगे, इन्होंने हटाए नहीं है, इसी वजह से आज मंडी पूरी तरह से बंद है जी। मुझे ये भी पता लगा कि सुनने में यहाँ से 20 और 21 दोनों बंद है जी, क्योंकि 2 दिन में जो गरीब है, रोज़गार रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाला आदमी है, उसके लिए बहुत ही मुश्किल और कठिन होगा जी। चूल्हे जलने बंद हुए पड़े हैं सर, ठीक है जी। हमारी सरकार से यही मांग है, जो अवैध टैक्स लगे हुए हैं, जो उन्होंने मांग की थी कि हम ये कोरोना काल से बाद खोल देंगे, वो नहीं खोली उन्होंने और इसी वजह से उन्होंने आज हड़ताल की हुई है जी। तो हम भी मंडी किस काम से आए थे और क्या हुआ है, यहाँ कोई जानकारी मिली? मैं प्रिया रजक बोल रही हूँ जी, मैं गीता नगरी से आए हैं, जग्गी कॉलोनी। सब्जी लेने, सब्जी है ही नहीं था कुछ। क्या कुछ पता चला यहाँ? बस यहाँ सारी मंडी बंद है। कुछ जानकारी मिली? जानकारी यही है, मतलब मंडी हड़ताल है ना, बंद है इस वजह। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।